सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। सीएम योगी आज सहारनपुर दौरे पर पहुंचे, जहां महाराजगंज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में वो जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए। वही सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए हैं और संगठन ने भी कार्यक्रम को लेकर ताकत झोंक रखी है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव का आगाज किया है, बताते चले कि सीएम योगी ने कहा कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के यूपी को मिल रहा है। योगी ने आगे कहा कि हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, सबका साथ सबका विकास किया है। सहारनपुर में महापौर के प्रत्याशी सुयोग्य चिकित्सक है, वही चिकित्सक यदि आएगा तो सारी बीमारियों का इलाज करेगा। माफिया के लिए हमारे पुलिस पर्याप्त है। बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार को महापौर का प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं। यहां के शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, पिछली सरकारों ने उन्हें उपेक्षित किया। हमारी सरकार ने उन्हें गले से लगाया और आज यहां का कास्ट कला फिर से वैश्विक मंच पर अपनी आभा को बिखेर रहा है। कौन ऐसा घर होगा उत्तर भारत का जहां पर सहारनपुर का फर्नीचर न हो, यहां की कास्ट कला जिसके घर की शोभा न बढ़ा रही हो। सहारनपुर का गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास, यहां के किसानों की मेहनत हो या यहां के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा, 17 के पहले उपेक्षित थी, क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव का शंखनाद किया है और पहली जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में ही आज संबोधित करते हुए नजर आए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शालीपुर में जनता से संवाद करेंगे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है, लेकिन उनको राहत जरूर दी गई है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट से राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है। पटना के एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे। वही हाईकोर्ट ने अगली तारीख 15 मई को तय की है और इस तारीख तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। प्रयागराज में एक होटल में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का शव मिला है। सुनील कुमार का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता मिला है। वही इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस भी अब लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार बनारस के रहने वाले थे और प्रयागराज के सिविल लाइन का ये पूरा मामला है। यह होटल विठल के कमरा नंबर 106 में उनका शव मिला है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या है या हत्या, और अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में भी लगातार जुटी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अतीक के चकिया स्थित दफ्तर में चौंका देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि अतीक के ऑफिस से खून के धब्बे मिले हैं और धब्बे मिलने से हड़कंप भी मच गया है। इन धब्बों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये ज्यादा पुराने नहीं है। अतीक के पूरे दफ्तर में जगह जगह खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर एक खून से सना हुआ चाकू और एक सफेद रंग का दुपट्टा मिला है, जिस पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। इन हालातों को इस तरह की देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस दफ्तर में कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब एक बड़ी और अहम खबर हम तक लगातार पहुंची है कि अतीक अशरफ के कार्यालय में जगह जगह खून के छींटे मिले हैं और ये वही कार्यालय है जिसको 2017 में इस कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया था। और वहीं अब इस ही कार्यालय में अतीक और अशरफ के हत्याकांड के बाद टूटी हुई चूड़ियां, खून के धब्बे और खून से सने हुए सफेद कपड़ों के साथ कई महिलाओं के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। बाराबंकी में नगर पंचायत अध्यक्ष पद भाजपा उम्मीदवार बद्री विशाल त्रिपाठी ने पर्चा भरा। वहीं रामनगर पंचायत से दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा गया है। मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय तक पैदल चलकर अध्यक्ष पद उम्मीदवार को पर्चा भी दाखिल कराया है। तो निकाय चुनाव को लेकर अब थोड़ा ही वक्त बचा है और दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में भाजपा के उम्मीदवार लगातार नामांकन स्थल पर पहुंच रहे हैं, अपना पर्चा भी भर रहे हैं। तो वही भाजपा से उम्मीदवार ने बाराबंकी में पर्चा भरा है और इस दौरान उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीती रात फरीदाबाद के खेड़ेपुल इलाके में गरीब लोगों की 500 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई हैं। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पीड़ित दुकानदारों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो नुकसान का आकलन करवाकर मुख्यमंत्री से सहायता के लिए बात भी करेंगे। वह इस मौके पर पीड़ित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि फोन करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1.5 घंटे देरी से पहुंची और अगर गाड़ियां समय पर आ जाती तो शायद कई दुकानों को जलने से बचाया जा सकता था। जबकि विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इतनी भारी संख्या में एक दूसरे से सटी हुई दुकानें यहां जल रही थी, जो कि प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दर्शाती है। रोजगार कर सकते हैं, पर हम लोगों को काम करते समय अपने को सेफ्टी के इंतजाम भी करने चाहिए। ये प्रशासन की भी लापरवाही है कि इतनी बड़ी एरिया में, इतनी कंजेस्टेड एरिया में इस तरह दुकानें खोलने की क्यों परमिशन दी। क्योंकि जब तक आप एक दूरी नहीं रखेंगे कि जहाँ पे आराम से एक दूसरी आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके, वो भी हम सब की जिम्मेवारी होती है। क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस तरह से काम करने में भी दिक्कत होती है, पर मैं इन सब चीज़ों को कोशिश करूँगा कि इन गरीब लोगों का इस समय हम कैसे रोज़गार दे पाएँ। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि इन लोगों को जल्दी जल्दी अपना रोज़गार दोबारा से कैसे शुरू कर पाएँ। फरीदाबाद में अक्सर बरसात के पानी से जल भराव हो जाता है, जिससे अब लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिले के डीसी विक्रम सिंह ने इसको लेकर विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी है। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह की माने तो उन्होंने नगर निगम और एनएचआई के अधिकारियों को बरसात से पहले ही मीटिंग कर आदेश दे दिए हैं कि वो पहले से ही अपना बंदोबस्त करें, ताकि जनता को जलभराव से परेशानी ना हो, जिसको लेकर दोनों विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर लापरवाही की गई तो विभागों के खिलाफ सख्ती से भी निपटा जाएगा। जलभराव की समस्या रहती है तो इसके तहत ही अभी से हम पहले से तैयारियां कर रहे हैं, तो इसकी मीटिंग भी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में मैंने ली है, तो स्पेशली हाईवे की, क्योंकि ये मेजर एक कनेक्टिविटी है जो नेशनल हाईवे है, तो इसकी PDNHAI के साथ में और साथ ही कॉरपोरेशन के साथ में जो इश्यूज थे इनके, तो वो सारे इनको कहा है कि टाइमली बरसात से पहले पहले 30 जून से पहले पहले उनको दूर कर लें। और इस बार हमारी कोशिश यही है कि इसमें हाईवे पे जलभराव की समस्या ना रहे। इसके साथ ही सेक्टर्स में भी या फिर जो कॉरपोरेशन का एरिया है उसके अंदर भी कई जगह जलभराव की समस्या थी, तो वो भी मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी हैं उनसे भी मीटिंग ली है, तो आशा है कि इस बार जलभराव कम से कम होगा। निकाय चुनाव में अपने मेयर प्रत्याशी के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद पहुंचे। वहीं जनरल वीके सिंह की बेटी की प्रदेश सरकार में मंत्री अमित वाल्मीकि एवं पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पैसे लेकर टिकट देने का भी आरोप लगाया गया। वहीं साथ ही खोड़ा के चेयरमैन को भाजपा की तरफ से किसी भी तरह का समर्थन देने की बात से इनकार किया गया। पार्टी के लोग ही पार्टी की खिलाफत में उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं के टिकट काट दे गए हैं, सबकी अपनी मर्जी के टिकट हुए हैं। क्या पैसा का लेन देन भी हो रहा है? लेन देन सब चीजों का हो रहा है। फोन कर रहा है, ये सब कर रहा है, सब आपस में मिले भाई, मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं। भाई साहब बदमाशों को टिकट दी जा रही है, कब्जे अब तक 20 प्लॉट कब्जे हो गए खोड़ा में। रीना भाटी को टिकट दे दिया,
रीना भाटी ने जब से टिकट हुआ है 20 टिकट कटवा दी थी। ये हंगामा किस चीज का है? हंगामा ये टिकट कटवाई जा रही है। कितने पार्षदों का कट गया टिकट? तीन आदमियों का होल्ड करा दिया, 6 टिकट कटा दिए। किसका रखा गया नाम? रीना भाटी नाम रख दिया, दूसरे अपने सारे गुजर और पंडित। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि यूपी में फिल्म अंदाज में बम और गोली बरसाकर हत्याएं हो रही हैं। भाजपा के विधायक कैमरे के सामने मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि 51 लाख रुपए एक माफिया ने चंदा दिया। विधायक लड़ने के लिए लखनऊ में एक बहन अपने घर में जा रही है और लुटेरे कट्टा लगाकर चेन खींच लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाने बनाने में व्यस्त है और यूपी की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। एक मां के सामने हत्याएं हो रही है, भाजपा के विधायक वो कैमरे के सामने मंच से खड़े होकर ये कह रहे हैं कि 51 लाख रुपए एक माफिया ने, गुंडे ने चंदा दिया विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहन अपने घर के अंदर जा रही है और लुटेरे चैन इसने कर उसके गले से कट्टा लगा के चैन छीन के लेके चले जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गाने बनाने में व्यस्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। सामने हत्याएं हो रही है, भाजपा के विधायक वो भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाने वाले जमिनी शंकरन का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है। शंकरन बीमारियों के कारण पिछले कुछ दिनों से कन्नूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां रविवार देर रात उनका निधन हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराय विजयन ने भारतीय सर्कस को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए शंकरन की सराहना की। विजयन ने कहा कि उन्होंने भारतीय सर्कस के आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। नगर निकाय चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को अपने पक्ष में वोट कराने के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। वही जनपद संभल की नगर पंचायत गुन्नौर में विकास कार्यों की पोल खुल गई है। कहीं जलभराव तो कहीं नाले में गंदगी पसरी हुई नजर आई है। बता दें कि तत्कालीन चेयरमैन द्वारा नगर में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए खासा नगरवासी नाराज भी नजर आए हैं। मायावती जो दलितों और करोड़ों मजलूमों की मसीहा हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे जो है बहुजन समाज पार्टी से टिकट देने का काम किया है। उसके लिए मैं माननीय बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी के जो उच्च श्रेणी के नेता हैं उनको इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत हार्दिक बधाई देने का काम करूँगा। अगर 5 वर्ष जनता ने मुझे दिए तो मैं ये करके दिखाऊँगा साबित कि ये जो है वाकई में ग्रीन गुन्नौर बनाने का मेरा सपना है। मेरा ना कोई ये सपना है कि मैं इसमें जाकर कुछ कमाई करूँगा। भरपूर आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, उन्हें कसबे से कोई कमाना कमाना चाहिए नहीं। उन्हें राजनीति का एक शौक है, कस्बे के लिए उनका सबूत है। इसलिए पहली बार चुनाव में आए हैं और बसपा से आए हैं। इस बार पहले बसपा से 3 बार हमारी फली रह चुके थे, इसलिए अब बसपा से आए हैं। कुछ नया कराना दिखाते हैं। 50 साल लोगों ने यहाँ जनरल में सीट रही, हमेशा यहाँ पहली बार बीसी में सीट आई है। तो मोहल्ला सराय है गुन्नौर और निकट चामुंडा मंदिर है और यहाँ करीब 2 साल के करीब हो गए, इसका कोई बदलाव नहीं हुआ। आने जाने में बहुत परेशानी रहती है, पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, नाले बिल्कुल चौक है। इस नाले की सफाई नहीं हुई? एक बार हुई थी वो ना के बराबर, वो कुछ से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, चेयरमैन कौन है यहाँ? चेयरमैन आरिफ अली की मिसी है, वो पहले भी चेयरमैन रहे, आरिफ अली रहे थे। तो क्या ये साफ सफाई कब से नहीं हुई और अब वोट करेंगे तो किस बेस पे वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे? वोट कैसे को दे देंगे बताइए, यहाँ मच्छर खाते हैं, यहाँ पे यहाँ मच्छर हैं। 1 साल हो गए मुझे यहाँ दुकान में रहते रहते किराए पे और उसमें मेरा घर है, तो यहाँ मच्छर शाम को इतने बुरी तरह मच्छर काटते हैं, खाते हैं मच्छर खाते हैं बहुत बुरी तरह से, और यहाँ की सफाई अभी तक नहीं हो पाई। 1 साल से मुझे देखते हुए हो गए, किराए पे 1 साल हो गए। जैसे ये पानी भरा हुआ है, नाला भी बंद है, तो क्या आपने इसकी कभी शिकायत की? हाँ, शिकायत कई बार की है यहाँ टोनेरिया में गुन्नौर। अच्छा, 5 साल में बसपा का सीट पर कब्जा रहा है, उन्होंने तमाम दावा किया है कि हमने विकास किया है, तो कितने सहमत हैं साहब उनसे आप? हमें कोई सहमत नहीं मिला था, तो आप देखो आप हमारे वहाँ चल के तमाम चौमासे में पानी भर जाता है, कोई भी विषय नहीं मिली हमें, कुछ नहीं मिला था। शुरू से सीट अब तो जनरल में रही है, इस बार OBC में सीट आई है, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? OBC का कैंडिडेट इस बार आया है,
ना कुछ भी नहीं मिला था। आपका आप साथ क्या जाने क्या। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।